Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. So दोस्तों आज 18 जून 2022 फाइनली हमने लोनावला पूरा के पूरा देख लिया है। आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छे वीडियोस थे और यहाँ का ट्रिप बहुत अच्छा था। फाइनली मैं लोनावला के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब बरसात का सीज़न है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों महीने में आना, चारों तरफ झरने ही झरने बहते हैं। हालांकि हमारे टाइम पर बरसात नहीं हुई तो इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इंडिया फिल्म स्टूडियो हो गया, पावना लेक, लोनावला लेक में तो पानी नहीं था इस बार, खैर टाइगर प्रॉन्स बहुत ही अच्छा था सनसेट के लिए और सनराइज़ के लिए। बाकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर, डायनासोर पार्क भी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, आप लोगों ने वीडियो में देख लिया। फाइनली आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर मंदिर। यहाँ से हम जाएंगे, सुबह हमारी ट्रेन है 8 बजे, उसके बाद 9 बजे हम पहुँचेंगे पुणे, और उसके बाद पुणे से 3 घंटे लगते हैं महाबलेश्वर के लिए। ट्रेन लेट है इसलिए हमने सोचा कि चलो बस से चलते हैं, तो 12-1 बजे के लगभग महाबलेश्वर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ पर एक रूम बुक करेंगे। अब इसको तो आज हमने चेकआउट कर लिया, 2 डेज के लिए हमने ये लिया था। दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन लोनावला। ये Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So, दोस्तों, लोनावला का हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये देखिए इडली बड़ा, बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन। यहां से हम देखते हैं महाबलेश्वर के लिए हमें टैक्सी मिलती है, बस मिलती है। अभी हमारी ट्रेन आके रुकी थी, लोनावला से 1 घंटे का रास्ता था। बहुत बढ़िया सफ़र रहा, बहुत ही बढ़िया। बस अफसोस ये धूप निकल रही है, बारिश होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। तो दोस्तों पुणे से ये हमें बस मिली है, ये वाली, इसमें हम जाएंगे। रेलवे स्टेशन से सड़क को पार करके ये बस स्टैंड है, और कंडक्टर से हमने पूछा तो वो 4 घंटे बता रहा है। ये बस स्टैंड देखो, रेड कलर की बसेज होती है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है ना, ये वाला, तो इसमें डिटेल लिखी होती है सारी के सारी। ये बस स्टैंड है यहाँ पर कंप्लीट। 4 घंटे बस लेगी, जिसमें बीच में बस रुकेगी भी, उसमें आप खाना खा सकते हो। तो मुझे लगा बस ही ठीक है, क्योंकि टैक्सी बहुत ज़्यादा रुपए ले रही थी, 4000 रुपये ले रही थी, इससे अच्छा बस में अपने आराम से पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन भी नहीं है। सो दोस्तों फाइनली हम बस में बैठ गए हैं। सो गाइस फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं महाबलेश्वर। बस में परेशान हो गए थे, 4 घंटे का रेगुलर सफ़र है, बीच में बस रुकी थी ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद अब महाबलेश्वर में काफ़ी कुछ देखने को है नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक महाबलेश्वर का मंदिर है, पंचगनी भी है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं क्योंकि कल हमने एमबी वैली जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं महाबलेश्वर मंदिर। हमने यहाँ पर रूम भी बुक कर लिया है, जैसे कि आपको मैंने बताया हम 3 बजे के लगभग पहुँचे थे, 4 बजे के लगभग हमें रूम मिला है, तो हमने ऐसा ही सिंपल सा रूम ले लिया है, ताकि सुबह हमने 7 बजे जल्दी निकलना है एमबी वैली के लिए, क्योंकि 2 बजे वहाँ पर हमें चेक इन भी करना है। सो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, अब चलते हैं महाबलेश्वर टेम्पल। सो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए महाबलेश्वर मंदिर, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है, चलो अंदर चलते हैं, भगवान के आपको दर्शन कराते हैं। Maybe.
सो दोस्तों फाइनली हमने बृहदेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। स्कैन नहीं हो रहा, बाहर लेके जाओ दीजिए यदि कोई इधर है। तो दोस्तों फाइनली हम महाबलेश्वर देखकर आ चुके हैं पुणे रेलवे स्टेशन दोबारा। यहाँ से जाएंगे लोनावला और मैं आपको बता देता हूँ महाबलेश्वर में सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, देख सकते हो। पहली तो ये कि वहाँ पर एक महाबलेश्वर का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा पुराना, यानी कि पांडवों के शासनकाल का है। दूसरा ये कि वहाँ का मौसम वो सबसे ऊपर है। आप लोगों को पता होगा नॉर्थ इंडिया में इस टाइम यानी कि चंडीगढ़ में हीट वेव चल रही है, लेकिन यहाँ पर महाबलेश्वर की बात करें तो 16 से 17 डिग्री टेम्परेचर था। पूरा ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच में हम रह रहे हैं। और आप लोगों को बता देता हूँ मार्केट बहुत ही अच्छा है वहाँ का। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी कमी वहाँ की ये है कि वहाँ पर ना रहने करने का ढंग का नहीं है यार। मतलब आप कैसा भी होटल ले लो 2000-3000, मतलब अच्छे नहीं है, बिल्कुल ही बकवास है। बाकी यही है कि महाबलेश्वर में आप ये चीज़ों के अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिला। चलिए चलते हैं अब दूसरी जगह पर। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना ख्याल रखना, टेक केयर।